आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीलम्स रसोई पर। चलिए आज बनाते हैं शाम की चाय या फिर छोटी मोटी भूख के लिए सूजी से कुरकुरी करारी मठरी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप सूजी लिया है, ये मोटी वाली सूजी है, तो मैं इसे मिक्सी जार में डालकर पीसूंगी। अगर आप बारीक वाला सूजी ले रहे हैं तो आपको पीसने की जरूरत नहीं है, आप उसे वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार। ये मैंने थोड़े ताजे मेथी के पत्ते लिए थे, इसे मैंने ड्राई रोस्ट किया था, इसे भी हाथों से अच्छे से क्रश करके मिला लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर कसूरी मेथी भी मिला सकते हैं। 1/3 कप तेल मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी को गूथने के लिए मैंने ये गुनगुना पानी लिया है, मतलब हल्का गर्म है, इसे हम सूजी को गूथेंगे। सूजी को थोड़ा गीला ही रखेंगे क्योंकि सूजी फूलेगी तो ये आटा अपने आप बाद में कड़क हो जाएगा, इसीलिए अभी इसे हम थोड़ा नर्म गूथेंगे। इसे ढककर आधे घंटा छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 1/2 घंटा हो चुका है, इसे एक बार फिर से हम अच्छे से मसल लेंगे। आटे से एक बड़ी सी लोई लेंगे, इसकी रोटी बना लेंगे। ये देखिए मैंने रोटी को कितना मोटा रखा है, इतना ही मोटा रखना है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो सूजी और फूलेगी। अब हम इसे पतले पतले स्ट्रिप में काट लेंगे। तेल को मैंने अच्छे से गर्म किया है, गैस का फ्लेम हाई रखा है। अब इसे हाई फ्लेम पर हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सारी मठरी फ्राई कर लेंगे। आप इसे बनाकर स्टोर करके 1-1.5 महीना खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। सूजी की खस्ता कुरकुरी करारी मठरी बनकर तैयार है। शाम की चाय के साथ इसे इंजॉय करिए। आप भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव नीलम्स रसोई पर शेयर कीजिए और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू नीलम्स रसोई एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।